करिए, 2016-17 के पहले इसी मथुरा में जवाहर मां की घटना घटित हुई थी ना, और जवाहर मां की घटना में कितना बड़ा खून खराबा हुआ था, गुंडागिरी काटना था, अराजकता काटना था। और आज आप देखते होंगे जवाहर बाग में आप जाइए, बेहतरीन आपको वहां पे गार्डन मिलेगा, पार्क मिलेगा। ये है 17 के पहले और 17 के बाद का। भाइयों बहनों, 2017 के पहले कोसी कला में दंगा होता था, दंगा हुआ था ना कोसी कला में। आज दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट पेप्सिको का आपके कोसी कला में लग चुका है ना। 17 के पहले मथुरा वृंदावन गोकुल, मथुरा वृंदावन मथुरा के अंदर आपने देखा होगा, मथुरा वृंदावन में क्या होता था, जो मथुरा वृंदावन दूध की नदियों के लिए विख्यात था, वहां मांस और मदिरा भी दिखता था। हमने बैन किया, हमने कहा नहीं, ये दूध की नदियों के लिए होना चाहिए। जो मदिरा की दुकानें थी, शराब की दुकानें थी, लोगों ने कहा क्या होगा, हमने कहा शराब नहीं, दूध बेचो, लस्सी बेचो, सब्जी बेचो। लेकिन यहां की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। हमने तीर्थ स्थल घोषित किए, मथुरा वृंदावन बरसाना गोपुर नंदगांव गोवर्धन, इन सभी पवित्र स्थलों को। और आज तीर्थ स्थल घोषित होते हुए बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य हो रहा है। अब 84 कोसी की परिक्रमा केवल अयोध्या धाम में ही नहीं होगी, 84 कोसी की परिक्रमा ब्रज धाम में भी होगी। और इसके लिए यहाँ के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ बैठ करके भारत सरकार के साथ अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया है, और बहुत शीघ्र इस पर कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। भाइयों बहनों, इस समय ब्रज क्षेत्र के विकास में आपको मालूम है कितना पैसा लग रहा है, 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमारी चल रही है, 32,000 करोड़ की परियोजनाएं, जिसमें 32,000 की परियोजनाएं जमीनी धरातल पर दिखाई देंगी। भाइयों बहनों, उस दिन द्वापर युग की याद को ताजा हम लोग मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन सभी क्षेत्रों में हम सबको देखने को मिलेगा।